अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है यार? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज का मज़ेदार व्लॉग कर रहे हैं शुरू। तो आज जो है मौसम माशाल्लाह से बड़ा आउट क्लास और नेक्स्ट लेवल बना हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर ऑल पर क्लिक कर दें। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो दोस्तों माशाल्लाह से आप लोग देख लें हमारे गांव का जो अभी वेदर बना हुआ है, माशाल्लाह से बड़ा आउट क्लास और नेक्स्ट लेवल भाई साहब बना हुआ है। यार आप लोग, हवा का शोर आ रहा है, पता नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी और प्यारे प्यारे हवाएं चल रही हैं। और माशाल्लाह से ये देखिए फसल भी अल्हम्दुलिल्लाह से जो ना इस प्यारे से वेदर में जो है ना खुश खुश दिखाई देती है हर चीज़। तो वेदर भी जो ना पूरा का पूरा सीन चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को तो पता है यार। तो भाई साहब, यहाँ पर जो वेदर है बड़ा आउट क्लास नेक्स्ट लेवल बना हुआ है। तो काफ़ी दिनों से बारिशें नहीं आई, तो हम लोग अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि यार बारिशें आए, लेकिन वो ना खैर वाली ही आए। तो जो ना बारिश, जब पहले फिर बारिश आई थी ना, तो तूफान आए थे, तो इस वजह से जो ना हमारा काफ़ी नुकसान हो गया था फसलों का। तो अभी भी मैं अपने फसलों में चक्कर लगा रहा हूँ। तो आप बैक साइड देख लें, माशाल्लाह से हमारी जो ना फसल कपास की तो बड़ी ज़बरदस्त है, इस दफ़ा तो अच्छी हो रही है। आप लोग दुआ करेंगे जो ना आगे भी अच्छी हो। तो लोगों का कहना तो यही है कि यार कपास की फसल इस दफ़ा अच्छी ही हो रही है, लोगों की भी हो रही है माशाल्लाह से बड़ा और अच्छा रेट भी है। तो देखते हैं यार। तो ये जो ना अभी मैं अपने फसल में जो ना चक्कर लगा रहा था, वो इस वजह से लगा रहा था, यहाँ हमारे जो साथ में पड़ोसी वगैरह रहते हैं ना, तो ये जो ना भाई साहब, इन लोगों ने बड़ा जलील और तंग किया हुआ है हम लोगों को। इन लोगों के माल मवेशी ये लोग छोड़ देते हैं, तो सीधा वो जो ना हमारी फसल में आ जाता है। फसल में आते ही इसे जो ना खा जाते हैं, तो सारा का सारा जो ना निज़ाम धराम बराम सा हो जाता है। तो अभी आप लोग माशाल्लाह से इस जो ना पौधे से अंदाज़ा लगा लें, तो ये पौधा भी बहुत छोटा है, तो माशाल्लाह से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें यार कि इस दफ़ा कितना अच्छा फल रहा आ रहा है जो ना हमारी फसल में। इंशाल्लाह से अल्लाह पाक से आगे भी अच्छे की उम्मीद है। तो बाकी आप सब भी दुआ करेंगे यार जो ना इस दफ़ा जो ना फसल अच्छी बन जाए। बाकी भाई साहब, अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ अपने जो ना साथ एक दूसरी भी हम लोगों ने ना फसल उगाई हुई है, वो ना जो ना धान की फसल है, समझ रहे हैं ना, धान की यानी कि चावल हैं, वो भी हमने लगाए हैं। यार इन चावलों ने ना हम लोगों को बड़ा जलील किया, बहुत तंग हुए अल्लाह के बंदे, हम ना तकरीबन कोई काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे भाई साहब हमसे ये ना चावल नहीं पूरे हो रहे थे उगाने के लिए। हमारी जितनी चीज़ ज़मीन थी ना, उसमें उतना हम जो ना उगा नहीं पा रहे थे। तो अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से इन चावलों के झंझट से भी जान छूट चुकी है। तो अभी जो ना इनको सिर्फ पानी लगाने वाला हो गया हुआ है, तो पानी वगैरह लगाएंगे। अभी जो ना ये ज़मीन जो है ना नई नई है, तो इसमें जो ना पानी वगैरह नहीं रुक रहा। जैसे ही जो है ना इसमें पानी वगैरह रुकेगा, तो फिर जो है ना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए भाई साहब, हमारे जो है चावलों की फसल, तो माशाल्लाह से ये तो अच्छी आ रही है। इसके साथ हमने वो दूसरे जो है ना चावलों की फसल उगाई थी, वो ये आप लोग देख लें, वो जो है ना देसी फसल है। तो वो यार कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं कर रही, क्योंकि देसी देसी होते हैं ना, तो फिर हाइब्रिड हाइब्रिड ही होता है। हम लोग ने ये जो है ना, ये आप लोग देख लें, ये हम लोग ने ना हाइब्रिड लगाया बीज। तो भाई साहब ये रहा जी देसी, अब आप लोग खुद देख लें, इसे भी देख लें और इसे भी देख लें, कितना कोई फ़र्क आ रहा है। आगे जो ना अल्लाह पाक खुद बेहतरी करेगा। ये साथ में मेरे जो ना चाचू की कज़न वगैरह जो है ना पानी वगैरह लगा रहे हैं अपनी फसल में। तो ये भी इन लोगों ने ना भी वो जो चावलों की काश्त की हुई है। देखें यार, ऊपर से मौसम भी अच्छा बना हुआ है और अच्छे की उम्मीद भी है मौसम से। तो ये देख लें भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा सूख भी रही है यार, इसकी मुझे समझ नहीं आती, ये सूख भी गई हुई है। तो देखें यार, जो अल्लाह को बेहतर जो अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा, उतना हमें फिर फल जितना नसीब में होगा उतना ही हमें मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। ये देख लें, ये भी जो ना काफ़ी ज़्यादा सूख गई हुई है, और ये भी चंद को जो ना सूख गई हुई है हमारी फसल।
तो बाकी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी आ रही है। भाई साहब आप लोग ना मेरे चैनल को कहीं मैंने ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दें यार। आप लोगों के लिए मज़े मज़े की वीडियोस लाता रहूँगा गांव की। तो कभी कभी ना दिल करता है कि यार ब्लॉग बना लूँ, अलबत्त मैं ना नहीं बनाता इतने ज़्यादा ब्लॉग्स, क्योंकि यार जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ ना तो उतना ज़्यादा जो है ना मुझे फल नहीं मिल रहा। बंदा एक मेहनत करे ना उसे उसका सिला भी मिलना चाहिए ना। तो भाई साहब इस प्यारे से वेदर के साथ अभी का जो ना व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, आगे फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।